यही त्याग की भावना मैंने सभी के दिल में देखी है। मुझे उम्मीद है कि सभी एक अच्छी मां साबित होगी। बाहू मैं उसकी, उसके लिए बेस्ट से भी बेटर लाइफ चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सई की कस्टडी मुझे ही मिले। इस केस का फैसला आज ले लीजिए और सई को इस टॉर्चर से मुक्त कर दीजिए। इस झगड़े में, कोर्ट की दलीलों में कहीं उस मासूम से उसका बचपन न छीन जाए। मैंने सभी में वो सारे गुण देखे जो एक अच्छी माँ में होने चाहिए। ये बिना किसी शर्त सई से प्यार करती है, उसकी परवाह करती है, उसकी हिफाजत करती है। ये सई की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है और उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर भी लगा सकती है। सभी ने जो सई के लिए किया वो शायद उसकी सगी माँ भी उसके लिए नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सई की कस्टडी सभी को देने का फैसला किया। अदालत इस केस की समय समय पर जांच करवाएगी और मैं पर्सनली भी इस केस पर नजर रखूंगी। और मिस्टर अर्श गुजराल, आपको सख्त हिदायत है, अगर आपने फिर से बच्ची को अपनी बातों में फंसाकर उसे गुमराह करने की कोशिश की तो बच्ची को मेंटली अब्यूज करने के इल्जाम में मैं आपको अंदर भी डलवा सकती हूँ। द केस इज डिसमिस्ड।